सवाल सवाल आपका तो हक है। हजूर, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नज़म है, नामुमकिन को ये मुमकिन से बदल देती है। मेरे है, ये कौन सी नज़म है? मैंने कभी सुनी। एक शेर है जी, नामुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है, मेरे फलसफे ज़ोर दुआ देखो। मैंने नहीं पढ़ा ये शेर कभी। गैर मुमकिन को मुमकिन में बदल देती है। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तो नहीं है, मुस्लिम मौऊद के शेर है। हाँ जी, मुस्लिम मौऊद का जी। मैं पूछना ये चाहता हूँ जी, आपने पिछले दरसों में फरमाया था कि थर्ड वर्ल्ड वार के चांसेस हैं, क्या वो बदली जा सकती है अगर आदमी सिंसियरली जोर लगा लें अपना? वो नहीं बदली जा सकती, क्योंकि कुरान करीम की पेशगोई है जी, और उसको कोई तब्दील नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। दुआएं करें, और अगर मकबूल दुआएं हों तो फिर तब्दील हो भी सकता है, लेकिन पेशगोई की शक्ल ऐसी है कि मुझे उसमें कोई तब्दीली दिखाई नहीं देती, ना होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इस्लाम के फैलने की खुशखबरी है। इसलिए दुआ करेंगे तो इस्लाम के फैलने के खिलाफ भी दुआ हो जाएगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वक्त को हो गया था दुआओं से क्या हो गया था? मुश्किलात टल गई थी, और वक्ती तौर पर जी मुस्तकिल तौर पर उस कौम को बख्शा नहीं गया था, वक्ती तौर पर वो बला टल गई थी, तो फिर क्या हो गया जी? जी, गैर मुमकिन तो नहीं था वो। देखें, असूली बात है, खुदा ताला जो खुशखबरियां अता करता है वो ज़रूर पूरी करता है, और जो वईद होते हैं डरावे, उनका ज़रूर पूरा उनका पूरा करना ज़रूरी नहीं है, ये बुनियादी असूल है। तो वो डरावा था जिसको तब्दील खुदा ने उनकी गिरियाउजारी के नतीजे में करके दिखा दिया जी। जज़ाकुल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकुल्लाह।